देखिए हमारे पास में बहुत गंभीर प्रश्न आया हुआ है, सार्वजनिक है और सार्वकालिक है। देखिए जीतेंद्र खुराना जी हैं आर्यावर्त महासभा दिल्ली से, इनका प्रश्न है कि क्या कोई सदगृहस्थ अपने जीते जीते अपना संपूर्ण औरदैहिक कर्म कर सकता है, यानी अपने लिए श्राद्ध पिंड दान आदि कर्म कर सकता है, ऐसी कोई शास्त्रों में व्यवस्था है, और है तो वो कैसे है, क्या किसी के पुत्र आदि न हो तब ही किया जाता है या पुत्र हो तब किया जाता है, इसको बतलाने की कृपा करें। देखिए ये जो प्रश्न है कि जीवच्छ्राद्ध, इसको शास्त्रों में जीवच्छ्राद्ध कहा गया है, जीते जी अपने लिए श्राद्ध करना, इसे जीवत श्राद्ध तो बनकर के मुख्य रूप से छत्व हो जाता है, तो जीवच्छ्राद्ध शब्द बनता है। तो किसी के पुत्र हो या न हो, किसी को ये लगे कि हमारे पुत्रादि कर्म करेंगे या न करेंगे, दोनों ही स्थिति में ये जीव श्राद्ध होता है। इस विषय में देखिए बतलाएंगे, बहुत से लोगों का ये भ्रम है कि यदि कोई अपने जीते जी अपना श्राद्ध कर लेता है तो वो मरे हुए के समान माना जाता है, फिर उससे आहार व्यवहार आदि नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस प्रश्न पर भी हम बतलाएंगे, और जीवन श्राद्ध करने की क्या विधि है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, और ये किस किस अवस्था में करना चाहिए, तथा इसके कर लेने के बाद भी यदि कोई फिर पुत्र आदि चाहे कि हम अपने पिता आदि का कर्म करें तो क्या वो कर सकता है, और जीव श्राद्ध किसी ने कर लिया पति पत्नी ने और फिर उनसे कोई पुत्र आदि हो जाता है गृहस्थ धर्म में, तो फिर क्या ठीक नहीं है, इत्यादि कई प्रश्नों का समाधान आप देखें सुने। देखिए वीर मित्रोदय ग्रंथ में हेमाद्री जो आचार्य हुए हैं, जिनका ग्रंथ है चतुर्वर्ग चिंतामणि, उसमें एक वचन है कि जीवन्येवात्मना श्राद्धम कुरिया दन्येषु सत्स्वपि अन्येषु सत्स्वपि, और पुत्रादि के रहते भी जीव श्राद्ध को किया जा सकता है। जीवन एव आत्मना श्राद्धम कुर्यात्, जीते हुए भी अपना श्राद्ध करे, ऐसा शास्त्र वचन है। देखिए और बौधायन गृह सूत्र में लिखा हुआ है कि जीवता स्वार्थोद्देशेन कर्तव्यम श्राद्धम जीवच्छ्राद्ध मित उच्यते मितुच्यते, जीव श्राद्ध है उसको कहते हैं कि जो जीते जीते ही अपने लिए श्राद्ध कर दिया जाए, उसे जीव श्राद्ध कहते हैं। आदित्य पुराण में भी ये वचन मिलता है कि जीवते वाथ जीवाय दद्याच्छ्राद्धम स्वयं नरः, स्वयं नरः अपने लिए भी श्राद्ध कर सकता है, श्राद्धम दद्यात्, जो श्राद्ध के निमित्त अपने लिए पिंडदान आदि तर्पण आदि सब कुछ अपने लिए भी कर सकता है। इसकी बड़ी महिमा भी है जीव श्राद्ध करने की, बड़ी महिमा है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हमारे पुत्र नहीं है और वे करेंगे या नहीं करेंगे, अथवा वो स्वयं करना चाहता है तो किसी भी स्थिति में कर सकता है, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। अगर ये देखता है कि हमारे पुत्र आदि नहीं है या वे नहीं करेंगे तो फिर कर लेना ही उत्तम पक्ष, तो कर ही लेना चाहिए। जीवच्छ्राद्धे कृते जीवो जीवन्येव विमुच्यते,
कर्म कुर्वन न कुर्वन वा ज्ञानी वा ज्ञानवान अपि। कहते हैं कि जीव श्राद्ध कृते, जीव श्राद्ध कर लेने के बाद जीवो जीवन ने विमुच्यते, जीव यानी वो व्यक्ति जीते जीते विमुक्त हो जाता है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है जीते जीते। और वो फिर कर्म करे अथवा न करे, चाहे वो खुद व्यक्ति ज्ञानी हो या न हो, उसकी मुक्ति निश्चित है जिसने जीव श्राद्ध कर लिया। ये कह रहे हैं श्रोत्रियो अश्रोत्रियो वापि ब्राह्मण क्षत्रियो पिवा वैश्यो वा नात्र संदेहो योग मार्ग गतो यथा। ये देखिए कह रहे हैं कि वो श्रोत्रिय हो अश्रोत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो, कोई भी हो, वो चाहे योग मार्ग में लगा है या न लगा है, उसकी गति निश्चित है जिसने जीव श्राद्ध कर लिया। तो जीव श्राद्ध की बड़ी महिमा है। और एक और बात बताएं कि जिसका जिसने अपना जीव श्राद्ध कर लिया, फिर सपिंडों के उसके कुल में गोत्र में जिनकी जो है मृत्यु होती है या कोई जन्मता है, तो उसको फिर जनना शौच या मरना शौच नहीं लगता है, वो स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाएगा। परिवार वालों को सबको आशौच लगेगा, पर जिन्होंने जीव श्राद्ध कर लिया है उनको आशौच नहीं लगेगा। देखिए लिंग पुराण में जो 45वें अध्याय में 85वें श्लोक में कहा गया है कि बांधवे मृते तस्य शौचा शौचम न विद्यते सूतकम च न संदेह स्नान मात्रेण शुद्ध्यति। स्नान मात्र से ही उसकी शुद्धि हो जाती है, इसलिए जीव श्राद्ध करने पर कोई भी ऐसा दोष नहीं है। लोग इस बात को कहते रहते हैं कि भाई अगर जीव श्राद्ध कर लिया है फिर वो जो है पति पत्नी नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के लिए या परिवार वालों के लिए या समाज वालों के लिए वो मृतवत माना जाएगा, ऐसा नहीं है। वो परम पवित्र है, वो जो है श्रुति स्मृति में कहे हुए नित्य नैमित्तिक समस्त कर्मों को कर सकता है। देखिए वचन, नित्य नैमित्तिकादीनि कुर्याद वा संत्यजेत्तु वा, चाहे वो नित्य नैमित्तिक कर्मों को करे अथवा छोड़ भी दे, दोनों में उसका अधिकार है, क्योंकि उसके लिए तो सर्व कर्म कृतवत ही माने जाएंगे, ऐसा वचन है। इसलिए ये सब कर्म, अगर जैसे अभी प्रश्न किया हुआ था कि जिसने जीव श्राद्ध कर लिया है, मुख्य रूप से जीव श्राद्ध पति पत्नी दोनों ही करें तो उत्तम माना गया है, तो फिर उनके कोई बालक आदि होता है, पुत्र आदि पुत्री होती है, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है। देखिए लिंग पुराण में, लिंग पुराण का जो 45वां अध्याय है वो जीव श्राद्ध से संबंधित समस्त शंकाओं का जो है समाधान करता है। जीव श्राद्ध वालों को, जो करने वालों को या उसे संबंधित बातों को रखने वालों को, वो अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, पश्चात जाते कुमारे चा स्वे क्षेत्रे चात्मनो, यदि अपने द्वारा अपने क्षेत्र में यानी अपनी पत्नी में कोई पुत्राद उत्पन्न होता है, तस्य सर्वम प्रकर्तव्यम पुत्रोपि ब्रह्मविद भवेत, उसका समस्त संस्कार आदि वो कर सकता है करे, और वो पुत्र भी जो ब्रह्मविद भवेत, जो वेदों को जानने वाला बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी होगा। और यदि कन्या हो गई तो कन्या यदि संजाता पश्चात तस्य महात्मना एक परणा एव ज्ञेया अपर्णा एव सुब्रता, अगर उसको कन्या होती है तो वो अपर्णा भगवती पार्वती के समान जो है श्रेष्ठ गुणों वाली होती है। भवत्येव न संदेहस्तस्याश्चान्वयजा अपि, और उनके भी आगे जो पुत्र आदि होंगे वो भी सब बड़े श्रेष्ठ आदि होंगे, और सब अपने ही वर्ण आश्रम के ही माने जाएंगे, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और मुच्यन्ते नात्र संदेह पितरो नरकादपि, और मुच्यते कर्मणानेन मातृतः पितृतस्तथा, और वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, समस्त नरकों से उसे कोई भी भय नहीं है जिसने जो है ये श्राद्ध जीव श्राद्ध कर लिया।
और उसके पितृ बंधु और मातृ बंधुओं का भी कल्याण निश्चित है। ये जीव श्राद्ध करने की महिमा है, जीव श्राद्ध करने की बड़ी महिमा है। ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति इस तरीके से श्राद्ध कर सकता है, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। तो ये कहाँ किया जाता है जीव श्राद्ध, तो स्थल का निर्देश करते हुए कहते हैं, पर्वते वा नदी तीरे बने वा यतने पिवा जीव श्राद्धम प्रकर्तव्यम मृत्यु काले प्रयत्नतः। जो भी नदी का तीर हो, पर्वत हो, है ना, कोई पवित्र वन हो या तीर्थ आदि कहीं भी इसको जीव श्राद्ध को ऐसे पवित्र स्थल पर कर सकते हैं, परंतु कहते हैं मृत्यु काले प्रयत्नता, उम्र हो जाए, कोई बालक चाहे तो हम अभी कर लें। एक हमारे पास प्रश्न आया था, बालक पूछ रहे थे हम कर सकते हैं क्या, बालक नहीं, जब जो है अवस्था हो जाए, लोगों को लगे कि चलो अब अपना कर लेना चाहिए, फिर पता नहीं आयु कब क्या हो जाए, तो इस वक्त चलते उठते बैठती अवस्था में ही इस श्राद्ध को संपन्न कर लेना चाहिए। अब कहते हैं देखिए इसके बारे में बता दें, कैसे होगा, कितना होगा, कितने दिन में होगा, एक संक्षिप्त जानकारी आप देखें। सामान्य रूप से ये जो श्राद्ध है, ये श्राद्ध 5 दिन में होता है, इस श्राद्ध की संक्षिप्त विधि है, 5 दिन में होता है। पहले दिन में तो वो जो है इसके संबंधित प्रायश्चित आदि हो जाता है और व्रत इत्यादि किया जाता है, और दूसरे दिन भगवान शालग्राम का पूजन, धेनु का पूजन, जल धेनु का स्थापन और वसु रुद्र आदित्य पार्वण श्राद्ध हो जाता है, तथा भगवत स्मरण पूर्वक रात्रि जागरण इत्यादि कृत्य दूसरे दिन किए जाते हैं, और तीसरे दिन की जो बात है उसमें अपनी प्रतिकृति बना करके, शास्त्र के अनुसार अपनी प्रतिकृति बना करके यानी अपना पुतला बना करके, और फिर उसका जो है दाह होता है, फिर 6 पिंडदान दिए जाते हैं और 10 गात्र तक का कार्य इसी दिन हो जाता है। पहले दिन जो सामान्य रूप से 10 दिन का जो होता है पहले दिन वाला, और 10वें दिन या 1 से 10 दिन तक करते हैं, ये विकल्प है, रोज एक एक पिंड दिया जाए 10 दिन तक, या 10वें दिन ही 10 पिंड दे दिए जाएं, तो ये मलिन षोडशी कहलाती है। तो ये मलिन षोडशी पहले दिन संपन्न हो जाती है, माने तीसरे दिन, ये पहले दिन तो जो व्रत आदि हो गया, दूसरे दिन ये पूजन आदि हो गया, और तीसरे दिन ये प्रतिकृति दाह पूर्वक और मलिन षोडशी तक का कार्य हो गया, और चौथे दिन जो है वो मध्यम षोडशी, आद्य श्राद्ध, शय्यादान, प्रेतोत्सर्ग इत्यादि, और उत्तम षोडशी श्राद्ध तक का कृत्य ये चौथे दिन हो जाता है, और 5वें दिन बचे हुए कृत्य जो भी सपिंडीकरण है वो, और उसके बाद में जो कुछ गणपति आदि पूजन और वो शय्यादान, पददान, ब्राह्मण भोजन आदि कृत्य और भगवत स्मरण पूर्वक इस कर्म की समाप्ति की जाती है। तो 5 दिन में इस प्रकार ये कर्म करने की विधि है। जीव श्राद्ध जो है वो अवश्य ही कर लेना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये जो स्थिति ऐसी चल रही है, कई लोग हैं और बच्चे आदि जो है विदेश में रह रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और स्वयं अपने यहाँ हैं, और लोग मृत हो जाते हैं, उनके बच्चों को तो जो है कई दिनों बाद सूचना मिलती है, भले ही आजकल इतना ये साधन हो गए, फिर भी ऐसे आए दिन ये घटना है, आप जो है समाचार पत्रों में या जैसे व्यवहार में देख से और सुन सकते हैं। इस दृष्टि से जो भी सज्जन हैं और शास्त्रनिष्ठ हैं और वो करना चाहते हैं, तो वे ये अपने जीते जी श्राद्ध कर सकते हैं, और उनके पुत्रों को फिर लगता है कि हमने अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं कर पाया, वे भी करें, वे अपना कर्तव्य समझ करके उनके लिए फिर दोबारा भी कर सकते हैं। वो इस तरीके से ये जीव श्राद्ध है और ये शास्त्रीय है, अपने जीते जीते ये कर्म करने का, और शास्त्रों में खूब अच्छी तरीके से उल्लेख है। हर हर महादेव।